चार तस्वीरें चार कैमरों के माध्यम से किस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया गया। सड़कों के दोनों तरफ देखिए रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि फूलों से पूरे शहर को पूरी नगरी को सजाया गया है और लोक कला लोक नृत्य का भी जबरदस्त आयोजन यहां पर चल रहा है। हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़े हुए हैं, सुरभि भी हमारे साथ है और पंकज झा भी हमारे साथ है, तीनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सुरभि के पास। सुरभि, क्या तस्वीरें आज सुबह की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में तो पहले ही अयोध्या नगरी को सजाया गया, संगीतमय किया गया, लेकिन आज सुबह का उत्साह कैसा? बिल्कुल रवि, अयोध्या से सबसे पहले आपको ही जय सिया राम, क्योंकि सिया और राम का जिक्र अयोध्या में जिस तरीके से आज कण कण में हर इस मैं कहूंगी हर तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो आपको एक खास प्रस्तुति के तौर पर ये साफ नजर आने वाला है कि राममय हो चुकी इस अयोध्या में आज किस तरीके से भव्य तैयारी की जा चुकी है। सबसे पहले एक सिक्योरिटी के लिहाज से आपको बता दूं, मैं इस वक्त साकेत चौक पर मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री निकलते हुए सीधा आगे रेलवे स्टेशन की तरफ रुख करने वाले हैं। हालांकि ये वो महत्वपूर्ण जगह है जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक तरफ सभा स्थल दूसरी तरफ सभा स्थल का वो पूरा रूट, इसीलिए इस वक्त मैं देख रही हूँ कि एसपीजी के साथ साथ सिक्योरिटी यहाँ पर जगह जगह आपको नजर आने वाली है। अब सीधा अंदर उसी तरफ चलती हूँ क्योंकि यहाँ से अगर आप स्वागत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो सीधा राम मंदिर की तरफ जाएंगे और यही वो खास जगह है जहां पर रवि मैं देख रही हूं कि अलग अलग जगहों पर मंच बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर खास तौर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी, ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से इस महोत्सव के दौरान ये खास आयोजन ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष तौर पर स्वागत के लिए किया गया है। ठीक है, हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़े हुए हैं, कुमार कुंदन का रुख करते हैं, हमारे तीन सहयोगी अयोध्या से रिपोर्ट कर रहे हैं, पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुमार कुंदन जरा चाहेंगे कि आप डिटेल में बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या का पूरा कार्यक्रम, क्योंकि जानकारी ऐसे कि सुबह 8:35 पर अयोध्या के लिए निकलेंगे, फिर अयोध्या में नगर भ्रमण भी उन्हें करना है। निश्चित रूप से अंजलि, आज अयोध्या में है और एक बार उससे पहले मैं थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है और अयोध्या में आज की अगर बात करें तो आज बहुत ही अलग तस्वीर आपको दिखने वाली है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जो आपने बात की, उस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। प्रधानमंत्री अब जो है 9:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 9:50 से सड़क मार्ग से चलते हुए वो अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। सुबह 10:30 से 11 तक रेलवे स्टेशन में जो काम है इनॉग्रेशन का वो काम होगा और 12:30 से माफी चाहूंगा 11:05 से लेके 12:25 तक वो रोड शो होगा और 12:30 के बाद जो है वो रोड शो करते हुए फिर आगे पहुंचेंगे आपको एयरपोर्ट की तरफ। तो इन सभी ये जो पूरा शेड्यूल है अंजलि, इस शेड्यूल के बीच आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, ये भव्य तस्वीर जो आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। 12:50 पर एयरपोर्ट से निकलकर वो एयरपोर्ट के उस सभा स्थल पर पहुंचेंगे जहाँ पे कई सारे लोगों को वो संबोधित करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुमार, ये जो कलाकार हैं ये कहाँ से आए हैं जहाँ पे आप मौजूद हैं? देखिए, ये जो कलाकार हैं ये गाजीपुर से आए हैं और इसको विशेष तरह का गोदिया नृत्य बोलते हैं। मैं बताऊं आपको कि ये क्या खासियत है गोदिया नृत्य की। ये पूर्वांचल की धोबिया डांस है। जब राजाओं महाराजा होते हैं या प्रधानमंत्री से पीएम से लेकर सीएम तक आते हैं तो उनके ताजपोशी के लिए, उनके स्वागत के लिए ये डांस करने के लिए अनुमति मिलती है सांस्कृतिक विभाग से।